इल्लस्ट्रेशन नंबर 53 आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब हद नहीं है उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट के लिए ठीक है ध्यान रखना ये क्वेश्चन में छोटी सी आई से ने मिस्टेक कर रखी है बताऊंगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलो तो इसको इसको अपन मार्क करेंगे एलडीआर ठीक है और मैं लिख दूंगा एल डी आर ठीक है ध्यान रखना चलो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ही वाला चलो क्या बोलते हैं सुन लो रीड करते हैं इसको देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है देखो कितना बड़ा दो पेज का बीस माह का क्वेश्चन बोलते हैं मेरे को लगता है एग्जाम में बीस तो नहीं लेकिन पंद्रह या सोलह माह का जरूर आएगा ठीक है मैं कराऊंगा एकदम ईजी कर दूंगा आपके लिए चिंता मत करो आप ठीक है चलो आ जाओ करते हैं क्या बोलते हैं देख लो

हंड्रेड परसेंट ठीक है एक्स का थर्टी परसेंट वाई का सिक्सटी परसेंट जेड का टेन परसेंट ओके फॉर ब्लॉक एक्स वाई एंड जेड हैज एंटर्ड इन टू एन अन इनकॉर्पोरेटेड अन इनकॉरपोरेटेड मतलब नो सेपरेट लीगल एंटिटी वॉज फॉर्मड मतलब नो सेपरेट लीगल एंटिटी इज फॉर्मड अन इनकॉर्पोरेटेड ज्वाइंट वेंचर अब आपको बताता हूं मैं इसमें कंसेप्चुअल एरर क्या है आपको एक बात बताता दो आपको पता है ज्वाइंट अरेंजमेंट होता है वो दो टाइप का होता है एक होता है है ऑपरेशन एक होता वेंचर जब कोई सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म नहीं हुई है तो इट शुड बी अ अंट ऑपरेशन पता है आपको नहीं पता तो जाके रिवाइज करना इंडियस वन 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 के अंदर हम पढ़ते हैं ऑपरेशन के तीन डेफिनेशन है वेंचर का एक डेफिनेशन है इफ देर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी इट शुड बी अ बीट ऑपरेशन बट यहां वर्ड क्या यूज किया है वेंचर ठीक है वेंचर होगा तो वेंचर मान लेते हैं ऑपरेशन का अकाउंटिंग ट्रिपल वन में होता है वेर वी डू प्रोपोशन कंसोलिडेशन। वेंचर का अकाउंटिंग ट्वेंटी एट में होता है जहां भी फॉलो इक्विटी मेथड एनी चलो गलती कर रखिए देखते हैं आगे क्या बोलता है फिर कंपनी वाई इज द ऑपरेटर ऑफ ब्लॉक ए डब्ल्यू एम एक्स एंड वाई आदि ज्वाइंट ऑपरेटर्स बोलता ज्वाइंट ऑपरेटर्स है, है. <laughs> कभी वेंचर कभी ऑपरेशन कंफ्यूज करता है अपने को ठीक है वो थोड़ा गलती है नहीं पढ़ रहा हूँ फॉर पास्ट फ्यू मंथ ड्यू टू लिक्विडिटी इश्यूज एक्स डिफॉल्टेड इन द पेमेंट एक्स ने पेमेंट में डिफॉल्ट किया नोटिस टू जेड फॉर विद्रॉवल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट बोलता है ये तीन लोगों में से जेड सही से काम नहीं कर रहा है सही टाइम पे पैसा नहीं ला रहा है तो जेड को बोला कि चल तू अपना इंटरेस्ट विड्रॉ कर ले तेरा टेन परसेंट चल तू बेच के निकल यहां से तू हमको एज अ पार्टनर नहीं चाहिए बेसिकली ये बोलता है ठीक है आगे आगे हाव एवर जेड फाइल्ड जेड ने उसके अगेंस्ट फाइल कर दिया मतलब जेड को पता नहीं अच्छा जेड के अगेंस्ट हमने फाइल किया किसने फाइल किया ये दोनों ने मिलकर जेड के अगेंस्ट क्या कर दिया अपील फाइल कर दी फाइल्ड अपील विद द आर्बिट्रेटर ऑन थर्टी अप्रैल आगे बात करते हैं फाइनेशियल परफॉर्मेंस ऑफ जेड हैज नॉट इम्प्रूव नहीं इंप्रूव हुआ एंड जेड डिसाइडेडेड टू विद्रॉ द पार्टिस इंटर जेड ने बोला कि चल रहा टेन परसेंट है मैं बेच के निकल जाता हूं अब वो किसको बेचा एंटर्ड इन टू अ सेल एग्रीमेंट विथ एक्स एंड वाई जेड ने अपना स्टेक एक्स को बेचा और वाई को बेचा एज पर द टर्म्स ऑफ द अरेजमेंट डेटेड थर्टी फर्स्ट मार्च इलेवन कंपनी एक्स विल रिसीव थर्टी थ्री परसेंट शेयर एंड कंपनी वाई विल रिसीव सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट शेयर एक्स को कितना शेयर मिलेगा 33.33% .33 और y को कितना मिलेगा 66.67% अब इसका मतलब क्या सुनना z के पास टेक कितना था तो z के पास टेक था 10% ठीक है इस 10% का सेल हो गया सेल टू x कितना 33.33% .33 और y को बेचा 66.67% आसान भाषा में समझाऊं तो z ने अपना 10% में से 1/3 बेचा x को और

स्टी थ्री परसेंट शेयर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट राइट बाई मतलब X ने अपने पे किया. अब सर करे क्या ये तो कुछ सा क्वेश्चन है टेंशन मतलब जब क्वेश्चन खत्म होगा तो एकदम ईजी बना दूंगा आपके लिए ठीक है आगे मतलब Z, X की बात हुई ना वाई ने कितना पे किया क्या पे किया उसकी बात की नहीं सिर्फ एक्स ने कितना पे किया उसकी बात करी फिर बोलता है आफ्टर साइनिंग सेल एग्रीमेंट ऑपरेटर वाइ अप्रोच इन पीएससी मतलब सब कुछ ये सब किया बात चली उसका स्टेक बेचा फाइनल अप्रूवल कब आया थर्टी जून को तो सबसे रेलिवेंट डेट हो जाती है आपके लिए ठीक है आगे गवर्नमेंट अप्रूवल इज एसेंशियल और बोलते इंपोर्टेंट अप्रूवल है तो यही सबसे इंपोर्टेंट डेट है ध्यान रखना आगे बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एक्स एंड जेड आर एस फॉलोस पिक्चर में वाई आया ही नहीं वाई ने भी सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट स्टेक खरीदा जेड से लेकिन वाई ने कितने में खरीदा क्या खरीदा उसकी बात ही नहीं किया तो वाई को अपन पिक्चर से निकाल देते हैं ठीक है अब बचता है एक्स और जेड ठीक है अब आपको दो दो डेट्स के इन लोग के फिगर्स दिए हुए हैं एक्स का दिया हुआ है थर्टी फर्स्ट मे और थर्टीए जून का जेड का दिया हुआ है थर्टी फर्स्ट मे और थर्टीएथ जून का तो इसमें सबसे पहली बात ये जो डेट है ये आपके लिए इेलिवेंट है बराबर ये जो डेट है आपके लिए इरेवेंट है क्यों क्योंकि जो भी टेक ओवर हुआ है वो कभी हुआ है थर्टीएथ जून को हुआ है ना तो मैं बोलू यहां के जितने भी फिगर्स है यहां के जितने भी फिगर्स है वो आपके लिए बन जाएंगे इेलिवेंट तो काटा पीटी कर दू क्या मतलब आप सिर्फ एक छोटा क्रॉस मारना ध्यान रखना अबे भाई वो गलती नहीं किया इन्होंने वो अपने लिए इेलिवेंट है इसलिए काट रहा हूं मैं ठीक है तो काट लिया काट दिया उसको काटने में तो उसका अलग ही एक्सपर्टीज था देख रहा है समझे? अरे काटने की बात काटा तो वो करती थी नहीं ठीक है तुम समझ गए ना रे? छोड़ो जाने दो एनीवेज एनीवेज आ जाओ फिर बोलता है एडिशनल इन्फॉर्मेश हाँ मत तुम लोग फिर आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन <laughs> <laughs> क्या बोलता देखो अब सर मैं करूं क्या है? ये सब का मैं करूं क्या देखते पढ़ते हुए चलते फिर समझाऊंगा सुनो फेयर वैल्यू ऑफ पीपी एंड कैपिटल प्रोग्रेस ओन्ड बाय जेड जेड इज एंड के कुछ फेयर वैल्यू दिए हुए अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो जेड के फिगर्स है ना जेड के फिगर्स ये येड के ना टोटल फिगर्स नहीं है मतलब Z का कितना हिस्सा था टेन परसेंट था ना तो ये जो फिगर्स है दिस रिप्रेजेंट्स These 10%. मतलब ये मत बोलना कि टोटल में से 10 Z का था उसमें से थर्टी थ्री जो है ये ऑलरेडी है इसमें से एक्स को कितना मिलेगा थर्टी थ्री पॉइंट मिलेगा दे ऑलरेडी रिप्रेजेंट टेन परसेंट वापस से बता दू पूरे क्वेश्चन के अंत तक बने रहना मेरे साथ, 10%. अब मैं क्या बोल रहा हूँ बोला, कैसे बोला आपको सब समझेगा ठीक है फिर फेयर वैल्यू का इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि जेड का पीपी और फेयर वैल्यू वर्ष लैक्स एंड टू लैक्स तो मैं लिख देता हूँ इसका फेयर वैल्यू वाइव लैक्स और इसका फेयर वैल्यू वो लैक्स आगे

ट्वेंटी एट के अंदर तो इक्विटी मेथड है ओके ऑल ज्वाइंट ऑपरेटर्स आर ज्वाइंट वेंचरर्स बोलता है ये जो ऑपरेटर्स है वो वेंचरर्स है ठीक है तो ट्वेंटी तो होगा वेयर बाय ईच पार्टी वेयर बाय ईच पार्टी दैट हैव हैव कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट राइट्स टू नेट है ठीक है एंड देयर फॉर एवरी ऑपरेटर रिकॉर्ड देयर शेयर ऑफ अट लाइव इन द बुक्स अभी इन लोग कौन सा भांग पिका है मेरे को नहीं समझता है

जहां हम अपना अपना शेयर रिकॉर्ड करते हैं ये सठिया गए इन लोग बुढ़ापे के अंदर कुछ भी बोले जा रहे हैं तो आइडियली मैं बोलता हूं जब एग्जाम में आएगा तो ये सब बातें इग्नोर करना आप वन 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 मार के सॉल्व करना इसको ठीक है बेउु सठिया गए इन लोग बुढ़ापे में कुछ भी कर रहे हैं और फिर अपने से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इतना सब फालतू चीजें याद रखें इनका क्या कर सकते कुछ नहीं कर सकते थोड़ा आपस में दुख बांट लेने का और निकल जाने का आगे बेसिकली गलती हो गई इन लोग के बाबू से और बाबू गलती हो गया ट्वेंटी का रेफरेंस देना ही नहीं था इधर इनको ट्रिपल वन बोलना चाहिए था इट शुड हैव बीन ट्रिपल वन। तुम समझे ना मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं क्योंकि खुद का तो हम ट्रिपल अट में रिकॉर्ड करते हैं ना हाँ चलो आगे सटी गए इन लोग छोड़ दो वो सब काम की बात करते हैं यू नीड टू डिटरमाइन द फॉलोइंग क्या अभी इतना बड़ा क्वेश्चन दिया इतना ज्ञान दिया अब तक समझाने क्या चाहते हैं मैं समझाऊंगा चिंता मत करो क्या बोलता है वेदर द अबोव एक्विजिशन फॉल्स अंडर बिजनेस एक्विजीशन एज डिफाइंड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन एज पर इंडेस वन जीरो अब वन जीरो करना है सर इतना तो ट्रिपल वन का क्वेश्चन इतना मुश्किल समझ आया वन जीरो थ्री कहां से आ गया <laughs> हाँ आगे डिटरमाइन द एक्विजीशन डेट चलो एक्वेशन डेट तो आपने को पता था क्या थी एक्वेसन डेट थर्टी जून इलेवन फिर बोलता है एंट्रीज दो और बैलेंस शीट बनाओ अब इसके अंदर करना क्या है मैं समझाता हूँ आपको ठीक है इनका क्वेश्चन व्वेश्चन सब भूल जाओ अब जो अब आपको समझाने जा रहा हूं

ना वन जीरो थ्री में हम क्या करते थे है करते थे। करके स्टेप करते आइडेंटिफाइंग केस में है क्यों क्योंकि उसने जेड का कुछ ना कुछ कंपनी एक्स ने जेड का थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट एक्वायर किया ना और बाप बोलोगे सर वन जीरो तो तब लगता है जब कंट्रोल आया इसमें तो कंट्रोल आया ही नहीं

103 का यूज करेंगे लेकिन क्वेश्चन ट्रिपल वन का है मतलब बेसिकली हमको करना है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन एज पर इंडेक्स 111 बट जो स्टेप्स है वो हम 103 के उठा रहे हैं दैट्स इट ये बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है सबसे पहली बात ये जॉइंट अरेंजमेंट्स है बट हम सिर्फ प्रोसीजर यूज कर रहे हैं 103 का सिंपल बराबर चलो अब देखो स्टेप नंबर 1 हो गया फिर आता है स्टेप नंबर 2 दैट इज डेट ऑफ एक्विजिशन केस में हमने क्या माना It is 30th June. फिर आता है step number three. PC. पता है पता बताया था कि X ने ने के लिए कितना PC पे किया किया को जो कुछ तो पीसी पे किया ना तो एक्स ने जेड को कितना पे किया पता है फॉर थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट थ्री थ्री थर्ड स्टेक बोल दो क्वेश्चन में बोला मैंने नहीं बोला है ठीक है ध्यान रखना उसके बाद स्टेप नंबर For INA. हम इसमें क्या करेंगे हम पता है टेक करते हैं तो यहां भी हम हम करेंगे क्योंकि ये ट्रिपल वन है तो हम 100 टेक करते हैं ना इस केस में हम हंड्रेड परसेंट नहीं हम सिर्फ करेंगे सिर्फ अपना हिस्सा टेक करेंगे क्योंकि ये है क्योंकि हमने सिर्फ अपना हिस्सा रिकॉर्ड किया है तो इस केस में एनसीआर नहीं आता है क्योंकि एनसीआर तब आता जब हम हंड्रेड परसेंट टेक ओवर करते और बोलते कि NCI हो गया क्योंकि हमने टेक इसे किया है तो एनसीआर नॉट एप्लीकेबल और फिर आएगा स्टेप नंबर सिक्स गुडविल स्लैश जीबीपी अब आप यहां लोगे पीसी जो आपने पे किया था फॉर थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट स्टेक उसमें से माइनस करोगे आई एन ए थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट स्टेक वाला आपको मिलेगा गुडविल या जी पी हमने गुडविल जी पी निकालने के लिए पूरा प्रोसीजर किसका यूज करा है पूरा प्रोसीजर ट्रिपल वन का यूज करा है दैट्स इट <coughs> तुमको थोड़ा थोड़ा समझा कि मैंने वन जीरो थ्री और वन 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 कैसे अप्लाई किया ये क्वेश्चन प्योरली वन जीरो थ्री का है ही नहीं प्योरली वन जीरो थ्री का तब होता जब मेरे पास कंट्रोल आता मोर देन फिफ्टी परसेंट स्टेक आपके पास कंट्रोल नहीं आया है आपने वो जेड के टेन परसेंट में से वन थर्ड एक्वायर कर लिया है तो बस वन जीरो थ्री के स्टेप्स यूज करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो ध्यान रखना तो अब मैं जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो अपने को और क्लैरिटी आते हुए चलेगी क्लियर चलो अब मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से वापस पढ़वा रहा हूं ध्यान से सुनना सबसे पहले क्या बोला था इलेस्ट्रेशन फिफ्टी थ्री के अंदर X है. बराबर, X के पास, Z का कितना स्टेक आ गया थर्टी थ्री पॉइंट स्टेक आ गया तो एक काम करते अब अपन है ना क्वेश्चन से अच्छा अपन पूरा सम सॉल्व करना शुरू कर देते तो ये मेरा ओफू खत्म हो जाता ठीक है ये मेरा ओफू था अब मेन सोल्यूशन में सोल्व कर रहा हूं मेन सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप जाने का पहले बोल देने का इसमें वन जीरो थ्री वन वन जीरो में आ गया है, है ना तो स्टेप नंबर वन क्या था हु इज द स्टेप नंबर वन हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर एक्वायरर कौन है अपने केस में इट इज एक्स लिमिटेड एक्चुअली तो वाई ने भी एक्वायर किया है वाई ने भी थोड़ा एक्वायर किया बट वाई की बात ही नहीं की तो छोड़ दो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है डेट ऑफ एक्विजिशन थर्टी सिक्स स्टेप नंबर थ्री क्या है स्टेप नंबर थ्री PC. PC आपने बोला था ना कितना है अब अब आता है किसका लेंगे Z का लेंगे बट आई ने भी सिर्फ कितना लेंगे इतना स्टेक लेंगे क्यों बिकॉज वी आर फॉलोइंग प्रोपोशनेट कंसोलिडेशन अब आई ने कैसे निकालेंगे चलो तो का मतलब क्या होता है यही होता है का मतलब, चलो देखते हैं। तो कौन से, -कौन से टेक करेंगे? ये सारे टेक करेंगे और जेड के आई ओवर करेंगे बट एट फेयर वैल्यू और उसका सिर्फ वन थर्ड टेक ओवर करेंगे सिर्फ थर्टी थ्री पॉइंट करेंगे तो कैसे तो मैं कैलसी पे ले लू क्या जिसका फेयर वैल्यू लो तो मैं बोलूंगा फाइव लैक्स प्लस ट्वेंटी थाउजेंड प्लस टू लैक्स प्लस फिफ्टी थाउजेंड प्लस थर्टी प्लस वन लैख प्लस फिफ्टी कैश मत लेना तो कितना आता है कितना आता है शायद लैग हो गया तो वापस एक बार रिपीट करो सुन लो आईने में अब आईने में क्या लेंगे ये Z का आई नहीं है तो जिसका जिसका फेयर वैल्यू उसका फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करो बाकी सबका कैरिंग अमाउंट पे टेक ओवर करो ठीक है तो मैं बस सारे असेट्स निकाल रहा था तो मैंने बोला फाइव लैख्स प्लस ट्वेंटी प्लस टू लैक्स प्लस फिफ्टी प्लस थर्टी प्लस वन कैश मत लेना प्लस फिफ्टी टोटल निकाल के करोगे तो नाइन लाख फिफ्टी आ जाएगा है ना कितना आ जाएगा नाइन लाख फिफ्टी तो अपन नाइन लाख फिफ्टी लिख देते हैं आ जाओ तो हम बोलेंगे असेट्स पहले पूरा लिख दो ठीक है असेट्स ऑफ जेड एक्सेप्ट कैश कैश नहीं लेते हम है ना एट फेयर वैल्यू कितना है नाइन लैख फिफ्टी है डीटीए डिटेल बाद में लेते हैं फिर हम बोलेंगे लाइब्रेटीज कितना है वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री बाद में करेंगे और डीटी डिटेल भी लेंगे चिंता मत करो लाइब्रेटीज कितना है लाइब्रेटीज इधर है टू लैख प्लस वन लैख प्लस टू लैक्स मेरे ख्याल से फाइव लैक्स है ठीक है फाइव लैक्स है ये लेस होएगा अब वर्किंग नोट बनाते हैं फॉर डिफॉल्ट टैक्स डिफॉल्ट टैक्स कितने फिगर्स पे आएगा डिफॉल्ट टैक्स दो फिगर्स पे आएगा जिसका फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट अलग है एक तो पीपी के ऊपर आएगा और एक कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस पे आएगा तो मैं बोलूंगा पहला पी पी ई कैरिंग अमाउंट पांच लाख कैरिंग अमाउंट आपका फेयर वैल्यू होगा टैक्स बेस आपका बुक वैल्यू होगा दैट इज थ्री लैक्स डिफरेंस दो लाख डी टी एल आएगा मेरे ख्याल से क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा टैक्स बेस कम कैरिंग अमाउंट कम करना है असल का कैरिंग अमाउंट कम करना है तो सिक्सटी थाउजेंड की लाइबिलिटी आ जाएगी बराबर सेकेंड आएगा सी डब्ल्यू आई पी कितना टू लैक्स ये रहेगा वन लैख डिफरेंस वन लैख ये रहेगा थर्टी थाउजेंड तो डी टी एल कितना है नाइन्टी थाउजेंड तो लेस डी टी एल ये वर्किंग नोट से आया कितना नाइन्टी थाउजेंड कितना आएगा आई एन ए ये तो आपके हंड्रेड परसेंट आई एन ए आए हम हंड्रेड परसेंट टेक ओवर करेंगे ही नहीं कितना आ गया थ्री लाख सिक्सटी अब हम हंड्रेड परसेंट टेक ओवर करेंगे ही नहीं हम कितना टेक ओवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसका थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट तो इसमें एक्स का शेयर कितना है इन जेड्स आई एन ए वन थर्ड वन थर्ड मत करा एक्चुअली थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट करो आई से ना थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट किया है, तो थ्री सिक्सटी इंटू थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट वन वन नाइन नाइन एट एट समझे क्या फिर आएगा अपना स्टेप फाइव स्टेप फाइव एनसीआई तो है नहीं गुडविल स्लैश जी बी पी पी सी कितना है तो पहले पी सी लिखो थर्टी थ्री परसेंट के लिए कितना है वन लाख आई ने कितना है वन वन डबल नाइन डबल एट मेरे ख्याल से जीबीपी आता है कितना जीबीपी आता है

क्योंकि हमने सिर्फ थर्टी थ्री पॉइंट किया तो बस उसके पूरा आयने दिए हुए है आयने का सिर्फ .3 .3 .3. लेना है। बस गुडविल निकाला काम खत्म हो गया मैं बोलूँ स्टेप से अपने को अभी बेटर लग रहा है पहले आपको लगा रहेगा भाई कुछ अलग सा ही है बट अभी ईजी है अभी ईजी है अब पूछा क्या है वो देखते हैं एक एक करके देखते हैं सबसे पहले वो बोलता है वेदर द अबोव एक्वेशन फॉल्स अंडर बिजनेस और असट एक्शन तो आपको है ना यहां एक एक करके बता दो कैसे आंसर करना था इस पूरे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले वाले स्टेप में तो ज्ञान लिख कर आना था ठीक है यू हैव टू राइट द थियरी वाला पार्ट तो मैं लिखता हूं जो फर्स्ट पार्ट है आपको उसके अंदर लिख कर आना डेफिनेशन ऑफ बिजनेस तो उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक से एक बार क्या करना, कर लेना रीड कर लेना ऊपर ऊपर से रीड कर लो काम बन जाएगा स्टेप नंबर टू क्या पूछा था स्टेप नंबर टू सॉरी पार्ट नंबर टू में क्या पूछा था डिटरमाइन द एक्वेशन डेट ये तो अपने निकाली थी ना थर्टी सिक्स तो इनको सेकेंड में चाहिए एक्विजिशन डेट दैट दर्टी सिक्स ये तो अपने निकाल लेती आगे है ना खुद पढ़ते तो कुछ समझता नहीं अब समझ गया मैं वही तो दिक्कत है टेंशन मतलब मैं समझा रहा हूं ना आगे पास जर्नल एंट्रीज फॉर दी अबोव मेंशन ट्रांजैक्शन इनको एंट्री चाहिए अब सर एंट्री क्या मारेंगे आप बिजनेस कॉम्बन में एंट्री मारते हो ना असेट टेकन ओवर है ना मतलब नेट असेट टेकन ओवर टू पीसी एनसीआर है नहीं फिर बाकी अपन गुडविल जी भी बोलते हैं तो इन्होंने एक डिटेल्ड एंट्री मारी है एक एक असेट जो भी आपने टेक ओवर किया है उसको इन्होंने दिखाया लाइब्रेटीज टेक ओवर करी है ना उसके अलावा पीसी वगैरह पे किया और जी वगैरह रिकॉर्ड किया तो मैं बोलूँ ये एंट्री भी आप यहाँ से देख सकते हो अब अब यार वो तो देख सकते हैं ना ये सब कैसे आया सर जितने भी जेड के असेट्स हैं उसका थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ये जो भी है ये ये क्या है सर जितने भी Z के लाइबिलिटीज है उसका थर्टी थ्री पॉइंटी बस एंट्री फॉर्मेट के अंदर उतारना है तुम समझे इसी का तो बीस पंद्रह सोलह मार्क क्यों आएगा इसी का तो मार्क्स है जो मैंने स्टेप किया उसका तो पांच मार्क भी नहीं है तुम समझे क्या तो जो थर्ड पार्ट है जर्नल एंट्री रिफर क्वेश्चन बैंक आपको ओफो पर्पज से एंट्री समझा रहा सुन लो क्या है ओफो परपस से जेड के असेट्स थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट डेबिट करना टू जेड के लाइबिलिटीज थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट लेना डी टी एल भी लेना इतना ही पी सी पे कर देना और जी बी पी आ जाएगा ये आपको ओफो वाली एंट्री हो गई पंकज बोलता है बीस नहीं है तो एक सौ बीस माँ कौन बोल जा आई को बोल जा तुम देखो मेरे को अगर आई सी प्रेसिडेंट बनाओगे आई का प्रेसिडेंट तो मैं पूछता हूँ एक सौ बीस माँ का बोलो बना रहे हो तो बोलो अच्छा एक और चीज पूछिए इनके एंट्री में मन नहीं भरा इन लोग को एक और चीज चाहिए बैलेंस शीट बैलेंस शीट फॉर एक्स बेस्ड ऑन एयर एनालिसिस इन पार्ट वन अबोव एट द एक्शन डेट सर एक्स की बैलेंस शीट कैसे बनेगी इस दुनिया की सबसे आसान बैलेंस शीट एक्स के सारे फिगर्स प्लस इसका वन थर्ड ये फिगर प्लस थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट एक्स का मतलब अरे बनाते ना सी एफ एस जैसा अपन अपना पूरा पूरा लिखेंगे और जेड का सिर्फ थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट लिखेंगे ऐसा बस जो पी सी में पे किया वन लाख वो माइनस कर देना और जो जी बी पी है वो अदर इक्विटी में एड कर देना <coughs> तो वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए बेसिकली अब यार टाइम पास वाली चीज में वैसे मत करवाओ बैलेंस शीट बना के दो ऐसा मत बोलना देख लेना वो खुद तो बैलेंस शीट मांगी है तो आपको ओफू दे रहा हूँ इसका ये भी कहाँ से करना बट इसको करना कैसे है? देख लो एक बार चलो आपको अंदर से देता हूँ सुन लो एक्स का फुल अमाउंट प्लस जेड का थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ड्राफ्ट के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अमाउंट बता रहा हूँ सबसे पहले जब कैश लिखोगे तो सिर्फ एक्स का लिखना जेड का मत लिखना और जो पीसी में पे किया वन लाख रुपीस वो माइनस कर देना तो आपका कैश का अमाउंट पता कितना रहेगा कैश में आप लोगे सिर्फ फोर लैक्स और वो वन लैख माइनस कर देना ठीक है तो कितना रहेगा थ्री लैक्स फिर आप अदर इक्विटी जो भी रहेगा उसमें ऐड कर देना जीबीपी ठीक है भूलना मत ये एक चीज़ और उसके अलावा डीटीएल रिकॉर्ड करना भूलना मत कितना था वो नाइन्टी थाउजेंड का आया था ना थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ये ड्राफ्ट इंपॉर्टेंट का जहां मिस्टेक कर सकते हो तो आपको बताया मैंने पूरा बनाएंगे तो उसमें मिस्टेक कहां करोगे वो समझेगा नहीं यहां जहां मिस्टेक कर सकते हो तो आपको मैंने बताया ठीक है ध्यान रखना क्लियर है क्या यस अच्छा एक और चीज इक्विटी कैपिटल बी सिर्फ एक और चीज लिख दो इधर आप भूलोगे वरना आपको पता है ना सी एफ एस के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी ओनली एक्स का आएगा ओनली पेरेंट का आता है समझे क्या यस yes. देवल ने एक सवाल पूछा सर हम डायरेक्ट एंट्री नहीं मार सकते क्या आईसीआई ने एकदम एक एक आइटम टेक के एंट्री मारी है हम डायरेक्ट मार देते हैं ना बिंदास डायरेक्ट मार उसका अगर चार मार्क रहेगा तो आईसीआई भी तेरे को शॉर्टकट में एक मार्क देगा वो बोलेगा तूने शॉर्टकट मारा शॉर्टकट में भी मारूंगा एग्जाम के अंदर अब मर्जी तेरी है डायरेक्ट मारना है मार <laughs> अब नहीं नहीं सर अब नहीं मार रहा मैं डायरेक्ट ठीक है क्लियर है क्या तक अरे यस यस और नो ठीक है है मस्त स्कीम तो एक बार सर ये क्वेश्चन का एक रिवीजन हो जाए तो मजा आ जाएगा एक छोटा सा मैं रिवीजन करवा दू पूरे क्वेश्चन का प्लीज क्योंकि अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा इस क्वेश्चन के अंदर वरना अपने को ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है इसके अंदर और इसको भी राइट एंड प्रैक्टिस करना प्लीज राइट एंड प्रैक्टिस टू टू थ्री टाइम्स ओके

वन लाख का पीसी पे किया तो अब करें क्या सबसे पहले चुपचाप छह स्टेप फॉलो कर लो ठीक है तो छह स्टेप में क्या करेंगे हम बोलेंगे हु इज द एक्वायर मैं बोलूंगा एक्स इज द एक्वायर देखो वाई ने भी एक्वायर किया बट वाई की बात इन नहीं कर रहा है वाई छोड़ दो एक्स ने वन थर्ड खरीदा उसकी बात कर ली सेकेंड डेट ऑफ एक्शन डेट ऑफ एक्वेजन मिल गया पीसी इतने के लिए वन लाख पे किया ठीक है उसके बाद आई एफ जेड आई ने जब टेक ओवर करोगे जेड का तो आप कितना टेक ओवर करोगे सिर्फ थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट बिकॉज ये वन जीरो थ्री प्लस ट्रीपल उनका क्वेश्चन है तो प्रोपोशनल कंसोलिडेशन तो जेड के जितने भी एसेट्स है वो निकाले लाइबेरीज निकाले डी टी निकाले और उसका वन थर्ड अपन ने ले लिया सबका ठीक है फिर एनसीआर आएगा नहीं बिकॉज सब प्रोपोशन हो रहा है और निकालोगे गुडविल गुडविल आएगा आपका इतना जीबी पी आता है एक्चुअली इतना अब चार चीजें पूछी थी डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रीड करना कुछ कुछ पॉइंट याद कर लेना एक्वेशन डेट जो लास्ट डेट थी वो उसका एंट्री मारी थी तो Z के हर एक असेट एक्सक्लूडिंग कैश Z का हर एक लाइबिलिटी जो डिटेल आया वो ये सब वन थर्ड रिकॉर्ड करना थर्टी थ्री पॉइंट रिकॉर्ड करना पीसी पे कर देना जीबी रिकॉर्ड कर लेना फिर मांगे बैलेंस शीट बैलेंस शीट में एक्स का सारे अमाउंट का से थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट करना कैश क्योंकि जेड का टेक ओवर नहीं कर रहे तो वो एड मत करना हाँ पीसी में जो वन लैक पे किया माइनस करना भूलना मत उसके अलावा जो जीबी आया वो रिकॉर्ड करना भूलना मत और डिटेल रिकॉर्ड करना मत भूलना बाकी सब कुछ आप रिकॉर्ड कर लोगे कहानी हो जाएगी कदम एकदम सिंपल है दो तारीख को पौने दो बजे मतलब जब भी तुम्हारा अटेम्प्ट है उसके पौने दो बजे तुमको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है ये आप ही को लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना आपका काम बनेगा ठीक है ध्यान रखना चलो अच्छा किसी ने बोला सर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का आप एक बार अमाउंट समझा दो देखते कितना अमाउंट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का सिंपल है आप अपना अमाउंट लोगे प्लस इसका थर्ट, वन थर्ड ले लेना मेरे हिसाब से तो उतना आना चाहिए ठीक है ध्यान रखना बस चलो एनी हो जाएगा तुमसे क्या क्वेश्चन कर लोगे क्या वो मेरे हीरो लोग ये देखो ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इतना आना चाहिए सिंपल है उतना टेक और के उतना रिकॉर्ड कर लेंगे कर लोगे ना पक्का चलो बहुत ही बढ़िया वेरी गुड मजा आ गया चलो मेरे से ये गलत लिखा है ठीक है ये होना कितना चाहिए 66, 66, 60, ऐसा। वो, है, mistake, है वो बोलते एग्जाम में आ गया तो नाच लेंगे अरे नाच मत देना पागल पागल समझेंगे नाच, नाच लेने का लका, लका। बट प्लीज करके जाना प्लीज प्लीज ठीक है चलो क्लियर है वाला पार्ट क्या Okay, cool.